हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एसके टेक में। अभी टिकटिक पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये इफेक्ट अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है और जितने लोगों ने अभी तक इस इफेक्ट पे वीडियो बनाया है वो सबका वायरल हुआ है। आप यहाँ देख भी सकते हो जिसने इस इफेक्ट पे वीडियो बनाया सबका वायरल हुआ है, अच्छा सा लाइक आया है। तो आप भी इसी तरह के वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको वीडियो इन तक देखो। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें एक फाइल डाउनलोड करना पड़ता है और बैकग्राउंड वीडियो तो आप यहाँ से ले ही सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका नाम है एलाइट मोशन, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लेना। तो ऐप और फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है अपना फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर के बाद आपको चले जाना है डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ के देख सकते हो जो आपने फाइल डाउनलोड की होगी, आपके यहाँ पे आया होगा। आपको उस फाइल पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको चले जाना है शेयर के ऑप्शन में, और शेयर के ऑप्शन जाने के बाद आपको एलाइट मोशन ऐप में इसे शेयर कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एलाइट मोशन ऐप में इम्पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमारा ऐप के अंदर चला गया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको चला जाना है एलाइट मोशन ऐप पे। ऐप पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप आपको ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शन में चला जाना है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट इसमें जो एक्सपोर्ट किया है वो प्रोजेक्ट फाइल में है। आपको प्रोजेक्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, न्यू ट्रेनिंग के हमारा जो प्रोजेक्ट इसमें एक्सपोर्ट हुआ है। तो आपको उस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जितना भी इफेक्ट है सारा लेयर मिल जाएगा आपको। इस पर आपको फोटो अच्छा से इस पर ऐड करना है और बहुत ईजी है, आप सिंपल इसे बना सकते हो। आप जितना भी यहाँ पे लेयर देख रहे हो ये सभी लेयर पे आपको फ़ोटो लगेगा। जहाँ न्यू ट्रेन लिख रहे हैं यहाँ पे आपको फ़ोटो लगेगा, जितना भी लेयर है सभी पे फ़ोटो लगेगा। और जहाँ साउंड है वहाँ आपको साउंड आ जाएगा। आपको मैं सब बता दे रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, आप वीडियो अच्छा से देखो, आप सब समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर आपको ये 3 लाइन देख रहा है वहाँ पे सेम फोटो आपको रखना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक ब्लैक पे एक लगा दिया, तो फिर को दूसरा पर आपको सेम ही लगाना है। मतलब हर एक 3 लेयर पे आपको सेम फोटो लगाना है, फिर आपको ऊपर के लेयर पे लगाना है। ऐसे करके बहुत सारे लेयर है इसमें, इसलिए आपको मोबाइल थोड़ा इसमें स्लो भी चल सकता है। मेरा भी थोड़ा सा लैक हो रहा है। तो ठीक से आप अच्छा से इसमें हर एक लेयर पर आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो फोटो कैसे ऐड करते हैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर तो 3-3 आपको ऐड कर ही लोगे, लेकिन लास्ट में जाके एक इम्पोर्टेंट है जहाँ पे लेंस है। थोड़ा मैं लास्ट में दिखा दे रहा हूँ, लास्ट का सेटिंग कुछ खास है, इसलिए यहाँ पे जितना दिखा रहा है यहाँ पे देखो, ये बड़ा सा लेयर है, यहाँ छोटा सा लेयर लेके बड़ा तक सेम इस पर सेम फोटो आपको रखना है। यहाँ तक 3-3 तो हो गया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप देख सकते हो 8-10 लेयर, यहाँ पे आपको सेम फोटो लगाना है। जो मतलब स्टार्टिंग में आप जो आप अपना एक फोटो लगा वही फोटो आपको सेम लगा देना है, ये यहाँ से लेके यहाँ सब में। और फिर से जाके आप थोड़ा सेट करोगे तो आपको दूसरा यहाँ पे लेयर स्टार्ट होगा, और यहाँ पे भी आपको सेम फोटो लगाना है। तो आपको मैं अभी पूरा लेयर दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा रेड कलर का है। ये क्या है कि इसमें लेंस है, ये लेंस को आपको इसमें फ़ोटो आपको रखना होता है। और फोटो रखने के बाद इसमें आपको अपने फ़ोटो में आपको जहाँ आँख कहाँ कहाँ पर है वहाँ से दोनों लेंस का आपको वहाँ पर अच्छा से यहाँ पर मैचिंग करके इसको रखना होता है। जैसे कि 2 लेंस है वो आपको आँख के सामने आमने सामने होगा। इस तरह के मैंने सभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। आप वीडियो देखें, आप एक बार वीडियो देखने के बाद सब समझ जाओगे, आपके लिए ये एडिटिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा एडिटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे सभी लेयर पे फोटो लगाना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर पे क्लिक कर देना है, इसमें आपको कुछ ऐसा देखेगा, इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कलर एंड फिल पर जाना है। कलर एंड फिल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है मीडिया नॉट फाउंड पे। जैसे मीडिया नॉट फाउंड पर आप क्लिक करोगे आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। आप जितने भी यहाँ पर आपको गैलरी में फोटो होगे वहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिर चलो ये फोटो ले लेता हूँ। और इतना क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट लेयर में फ़ोटो लग चुका है। और ऐसे करके आपको बाकी में भी सेम फोटो ऐसे ऐड आपको कर देना है। तो इसी तरह के आपको बाकी सभी लेयर में फोटो आपको ऐड करना होगा। चलो मैं 2 लेयर में फिर से फोटो ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेयर पर क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, और कलर एंड फिल पर जाना है। और मीडिया नॉट फाउंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना मन पसंदा फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको ऊपर प्लस में क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे आपको बैक आना है, तो आप यहाँ देख सकते हो तो लेयर में आपका फ़ोटो लग चुका है। ऐसे करके आपके बाकी जो 2 बचा है उसे भी इसी तरीके से आपको फिर से लगा देना है। फिर से लेयर पर आपको क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने में कलर एंड फिल पर जाना है, फिर मीडिया नॉट फाउंड पर जाना है,
और जो आपने पहले सेलेक्ट किया वो आपको सेम फोटो सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सेकंड लेयर में भी लग चुका है। और फिर ऊपर में भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है। सेम कलर पिल पर जाने के बाद आपको फिर से वही आपका सेम पिक ले लेना है। ऐसे में आपको जो एक लाइन में तीन तीन लेयर है वो सेम सेम फोटो आपको लगा देते हैं कि हमारा सेम लग गया है। और ऊपर में मैं आपको चलो मैं सेम लगा के दिखा दे रहा हूँ। ऊपर वाले लेयर पर मैं फिर से क्लिक करूँगा। ऊपर वाले लेयर में क्लिक करने के बाद फिर से आपको मीडिया फील्ड में जाना है। और जाने के बाद इसमें आपको फिर से आपको दूसरा फोटो आपको कुछ ले लेना है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ और प्लस करने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो सेकेंड वाला लेयर है तीन है उसमें जो फर्स्ट में एक लग चुका है। अब ऐसे करके जो बाकी दो है इस एक लाइन में जो तीन तीन है उसमें सेम सेम फोटो में लगा लूँगा। तो चलो मैं बाकी में सबको मैं लगा के आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे एक लाइन में जो तीन लेयर है वहाँ पे मैं सेम सेम फोटो कैसे लगाया हूँ। इसी तरह से आपको बाकी सभी लेयर में से फोटो आपको लगा लेना है। ऐसे लगाते हो ऊपर में जाने के बाद आपको एक लाइन में आपको बहुत 8-10 लेयर आएगा उसे भी सेम लगाना है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे मैं उसे लगाया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 8-10 लेयर एक साथ मिलेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है वो जो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके और जहाँ से बड़े थे 8-10 लेयर है वहाँ सेम फोटो लगा देते जैसे मैंने लगाया हूँ। और इतना एडिटिंग करने के बाद हमारा वीडियो काफ़ी हद तक बन चुका है। अब एक मिनट और एडिटिंग करने के बाद हमारा वीडियो रेडी हो जाएगा। आपको लास्ट में ये जो देख रहा है रेड कलर का इस लेयर पर फोटो के साथ साथ लेंस को भी अच्छा से मैचिंग करना होगा। तो मैं चलो एक लेयर पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे एडिट ग्रुप पर आना है। एडिट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको देखो आपको दो लेंस का और एक नीचे आपको फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है। पहले जैसा कलर नट फिल एंड मीडिया नट फोन पे जाना है। मैं उस पर जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने में आने के बाद ऊपर प्लस में क्लिक करना है। फोटो हमारा ऐड हो जाएगा। तो आप ऐड देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो ऐड हो चुका है। तो इतना करने के बाद आपको ऊपर से लेंस पे क्लिक करना है। जो लेयर है दो बाकी उस पर क्लिक करना है। जैसे करोगे तो आपको देखो लेंस सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आपको हाथ से ज़रा तो होल्ड करके अच्छा से जो आपका आँख है वहाँ पर अच्छा से आपको एडजस्ट कर देना है। आसान से आपको जहाँ पे आपका आँख है वहाँ पे हमें अच्छा से इसे एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। फिर से आपको दूसरा लेंस जो आपको ग्रीन वाला हो गया आप जो थोड़ा ब्लू टाइप का है उस पर क्लिक करना है। उसको भी अच्छा से आपको आँख के सामने एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। इसी तरह के बाकी जो रेड लेयर है उसको भी इसी तरह के क्लिक करके एक पिक लगा के वहाँ से आप अपना लेंस को अपने आँख के सामने एडजस्ट कर लेना। और इतना एडिटिंग करने के बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। और बाकी अब इसमें हो गया एक म्यूजिक लगाना। जो म्यूजिक है उसको लगाना है। म्यूजिक लगाने के लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आप जितना डाउनलोड किए होंगे और आपको गैलरी में जितना वीडियो फोटो होगा आपको सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं डाउनलोड करके आपको अगाड़ी में रखा हूँ। तो आपको डाउनलोड किया वहाँ पे आपको जो वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। उसको सेलेक्ट करके आपको ऊपर दिखाएगा थ्री डॉट पर थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको स्टैक एडियो का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उस वीडियो से हमारा एडियो निकल जाएगा और वीडियो को डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद हमारा वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करने में और ऐप इंस्टॉल करने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करना। मैं आपको कमेंट करके ज़रूर सोल्यूशन बता दूंगा। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आप इसी तरह से न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग देखना चाहते हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।